हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है व्हाट्सएप की ट्रिक्स के बारे में। व्हाट्सएप को आप सभी लोग यूज करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम ऑफिस में होते हैं या फिर अपने लैपटॉप पे यूज कर रहे होते हैं, हमारा फोन लगा होता है चार्जिंग पर, तो हम चाहते हैं अपने व्हाट्सएप से ही चैट कर लें, अपने व्हाट्सएप पे ही अपने व्हाट्सएप को चला लें अपने लैपटॉप पर। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स है जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए बहुत ही काम आने वाला फीचर है। इसके लिए जस्ट एक सिंपल क्या करना होता है, आपको अपने व्हाट्सएप पर जाना है। यहाँ पर 3 लाइन डॉट आती है, वहां पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको वेब व्हाट्सएप मिल जाएगा। तो वेब व्हाट्सएप पे आप जब आप जाएंगे तो वो स्कैन करने के लिए पूछेगा। तो सिंपली अपने गूगल क्रोम ब्राउजर में लैपटॉप पर ओपन करना है आपको, एक वेब पर जाकर webwhatsapp.com, हम आपको अपनी URL में दिखा देंगे किस तरीके से करेंगे। उस पर आप जैसे ही स्कैन करेंगे जो आपका पूरा व्हाट्सएप है वो आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा और वहां से चलने लगेगा। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा के दे देते हैं कि उसको आप कैसे यूज करेंगे। तो जैसे ही आप अपने ब्राउजर गूगल पर खोलेंगे web.whatsapp.com, तो इस तरह का पेज आपको ओपन हो जाएगा। उसके बाद अपने मोबाइल पर आप जाएंगे व्हाट्सएप पर और यहाँ पे आपको 3 डॉट मिलेगा। 3 डॉट पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से व्हाट्सएप वेब, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्कैनर खुल जाएगा। जो स्कैन पे जब आप इस स्कैन पे जाएंगे, इस कोड पे स्कैन करोगे इसको आप, तो इस तरीके जैसे स्कैन करते हैं, तो जो स्कैन करते ही देखिए व्हाट्सएप अपने आप ही ये इस पर आ जाएगा। देखिए लैपटॉप पर व्हाट्सएप आ गया है। तो अब यहाँ से आप आसानी से अभी किसी के साथ चाहे चैट कर सकते हैं आप। ये व्हाट्सएप को पूरे व्हाट्सएप को देखिए इस तरीके से यहाँ पे जो आइकन जो लोग आ रहे थे वो यहाँ पे भी आने लगे। किसी से यहाँ पर चैट कर सकते हैं, यहाँ से बात कर सकते हैं और अपने व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप पर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था सिंपल सा तरीका, आप इस तरीके का यूज कीजिए। और अब ये आपको कोई भी परेशानी आती है इसको यूज़ करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही आसान सा ट्रिक है ये। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं कुछ ऐसी नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।